कैफुल वरा को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का अध्यक्ष बनाए जाने पर गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजन बक्सीपुर स्थित एक हॉल में किया गया। सम्मान समारोह में अकादमी के अध्यक्ष कैफुल वरा को गोरखपुर मैरिज हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान, व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, मैरिज हाउस एसोसिएशन के महामंत्री एवं पार्षद संजय श्रीवास्तव, टेंट हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय खेमका एवं मैरिज हाउस एसोसिएशन के संरक्षक अतुल श्रीवास्तव द्वारा माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मैरिज हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान ने बताया कि हमारे बीच के कैफुल वरा साहब को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उर्दू अकादमी का अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कैफुल वरा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिम्मेदारी दी है उस पर खरा उतरने के साथ उर्दू के विकास और सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्य करने के साथ उर्दू भाषा में बच्चों को आईएएस परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने पर जोर रहेगा। इस अवसर पर अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मैरिज हाउस एसोसिएशन के अध्यक्ष एस ए रहमान एवं उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के अध्यक्ष कैफुल वरा ने कहा, आपको उर्दू अकादमी का चेयरमैन बनाया है। हम सभी लोगों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्हें इतना बड़ा पद राष्ट्रपति का दर्जा हिंदू के प्राप्त है, तो इतना बड़ा पद आपको नवाजा है करते हैं। सबसे पहले हम एक साल और एक साल सम्मानित जैन जी, व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष नेता साहब संजय जी और आज के अध्यक्षताओं, हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। उर्दू एकेडमी का चेयरमैन नामित किया है जो कि एक विशेष मिनिस्टर का दर्जा है, जिसके लिए हम योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक धन्यवाद देते हैं। बात करें, समस्याएं बताएं,
ये आज श्री कैफुल वरा साहब को उर्दू एकेडमी का चेयरमैन बनाया गया है, तो उनको सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने मैरिज हाउस एसोसिएशन और टेंट हाउस एसोसिएशन ने ये प्रोग्राम आज रखा है। और इसमें पुष्पधन जैन जी जो कि व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी स्टेट मिनिस्टर का उनको दर्जा प्राप्त है, उन्होंने ही कैफुल वरा साहब को सम्मानित किया है। मुझे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी दी है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज पर मैं काम करूंगा और उसमें कोई भेदभाव मैं नहीं रखूंगा। और उर्दू की जो तरक्की के लिए सरकार की नीति है, उसको हम भरपूर कोशिश करके उस बजट को आम जनता तक, जो अकेडमी के लोग हैं उनको तक पहुंचाऊंगा। उर्दू एकेडमी कई तरह की ट्रेनिंग कराती है, जैसे IAS की ट्रेनिंग कराती है, वो उसमें निःशुल्क बच्चे उसमें पढ़ते हैं और खाना भी खाते हैं और रहने खाने का पूरा इंतज़ाम है। उर्दू लर्निंग कोर्स भी चलता है, इसमें भी कोई फीस नहीं लगती है। और भी बहुत सी स्कीमें हैं, जैसे शायरों को हौसला अफजाई के लिए उनको इनामात दिए जाते हैं, जो लोग थीसिस लिखते हैं किताबें उनकी किताबों का प्रकाशन भी हम लोग करते हैं। तो इस सब काम को हम बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे।